सब्सक्राइब करें बी इंडियन चैनल को और घंटी को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, ये बॉर्डर है, गोल्डन कलर है सिर, ये हमारा अस्तर है और इसका हम पैटर्न बनाएंगे गोल्डन कलर का। ये हमारा सिलाई के लिए है, लंबाई 13 है, 13.5 रखेंगे, आप 14-15 रख सकती हैं, शोल्डर 5.5 इंच, बाजू 5.5 इंच, चेस्ट 32.5 रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, गोल राउंड देंगे। अब इसको कट करेंगे। अस्तर रखकर इसी तरह कपड़े को कटिंग करेंगे। अस्तर कपड़ा कट के तैयार हो गया है, डिजाइन हम कैनवास पे निकालेंगे। गले की लंबाई 10 इंच, गले की चौड़ाई 2.5 इंच, डिजाइन बनके तैयार हो गया है। 1/2 इंच हम फिटिंग के लिए बढ़ाएंगे।
कैनवस कट के तैयार हो गया है। अब कपड़े पे परे से चिपकाएंगे। प्रेस करके तैयार हो गया है। हमने इसी साइज का दूसरा भी कैनवस निकाला है तो इसको कट कर दिया है। इस तरह से रख कर हम अस्तर पर निकालेंगे। सिलाई करने के बाद इसी तरह दिखेगा। इसमें हम कैनवस लगाएंगे। इसी तरह रख कर कैनवस काट लेंगे। सब कट के तैयार हो गया है। पहले से चिपका भी लिया है सब। अब हम सिल के दिखाएंगे। अस्तर और कपड़ा ज्वाइन करेंगे फिर उसमें हम कैनवस सही लगाएंगे। फिर हम डिजाइन तैयार करेंगे। अस्तर कपड़ा ज्वाइन कर दिया है। अब इसके किनारे के सिलेंगे पहले।
अब इस पे कैनवस चिपका दिया है टोचनी से। अब इसको सी लेंगे। इधर हम पाँव इंच सिलाई के लिए मार्किंग कर दिया है, सीधे सिलाई आएगी। अब इसमें चटके देंगे। पलटी हो गया है। अब हम डिजाइन सी लेंगे। ये जो हमने डिजाइन निकाला है यहाँ से, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे, सिर्फ से आधा इंच छोड़ेंगे फिटिंग के लिए। अब इसी तरह इसको भी कट करेंगे। सिलने के बाद इस तरह दिखेगा।
अभी इसमें आप पाइपिंग लगाएंगे और इसमें भी पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। इसमें पाइपिंग लग गया है, अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लग के तैयार हो गया है, हम बीच में निशान लगाएंगे। आप फिटिंग करेंगे। फिटिंग हो गया है,
अब इसको सी लेंगे। फिटिंग हो गया है, अब हम लैस लगाएंगे इसके किनारे पर। हम लैस यहाँ तक रोकेंगे, पहले हम नीचे पट्टी लगाएंगे, टेक से मारेंगे, फिर हम लैस लगाएंगे आगे का। लैस लग के तैयार हो गया है, डोरी भी लग के तैयार हो गया है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।